यूनो की वन प्लस डिवाइस में एंड्रॉइड 15 वर्जन मिल चुका है। वन प्लस के सीरीज में, वन प्लस के जो सीरीज है यानी वन प्लस 12 का मेन डिवाइस हुआ, यानी 12R, 12 Pro, ये सब जो डिवाइस रहता है वन प्लस के 12 जो रहता है वो मेन डिवाइस रहता है 12 सीरीज का। सो वन प्लस के 12 सीरीज में ऑक्सीजन OS 15 वर्जन तो मिला ही है। मैं आपको ऑलरेडी वीडियो भी दे चुका हूँ, काफी कुछ चेंजेस रहा है, पूरा डिटेल्स पे आपसे शेयर किया हूँ। एंड उसके बाद जो है वन प्लस के नोट CE 4 एंड 4 लाइट वर्जन है, उसमें अल्फा करके आपको अपडेट जो है देखने को मिला है एंड्रॉइड 15 वर्जन का। सो फाइनली यहाँ पे जो है वन प्लस ट्वेल्व में यहाँ पे स्टेबल अपडेट ऑक्सीजन OS 15 वर्जन का यहाँ पे रोल आउट हो चुका है। ओके, हो सकता है कि आपके डिवाइस में देखने को मिले या फिर अभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल आउट हुआ है। सो आपको एक एक करके आपके डिवाइस में देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन OS 15 वर्जन का जो स्टेबल अपडेट जो है रोल आउट हुआ है। ओके, सो इसी के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आपके पास वन प्लस का कौन सा सीरीज है, कौन सा डिवाइस है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको न्यू अपडेट एंड्रॉइड 15 वर्जन जो बीटा प्रोग्राम पे रिलीज हुआ है वो आपको मिला है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो यहाँ पे चलिए वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा, पूरा यहाँ पे चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एंड्रॉइड 15 वर्जन जो यहाँ पे रिलीज हुआ है, जो स्टेबल अपडेट है वन प्लस 12 सीरीज में। ओके, यानी वन प्लस 12 जो है सिर्फ और सिर्फ उसी पे आपको ये देखने को मिलेगा। एंड अगर कंट्रीज का बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिले, देख सकते हैं ये आपको 4 कंट्रीज पे यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेबल अपडेट ऑक्सीजन OS 15 वर्जन का। सो ये जो स्टेबल अपडेट जो है रिलीज हुआ है उन लोगों के डिवाइस में पहले मिलेगा जो कि वीटा वर्जन को इस्तेमाल किया था। वीटा वर्जन पे लेने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। अगर आप जो वीटा प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे थे अपने डिवाइस में, तो उस हाल में आपको यहाँ पे जो है स्टेबल अपडेट जो है एंड्रॉइड 15 वर्जन का वो देखने को मिलेगा। सो ये अपडेट अगर आप अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं तो चेंजेस आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उस चीज को यहाँ पे एक झलक यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है चेंज लो का अगर बात करें तो एनिमेशन को लेके, जैसे कि आप जो है होम स्क्रीन में कोई भी एप्लीकेशन स्वाइप अप करते हैं, स्वाइप डाउन करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, नोटिफिकेशन स्लाइड बार इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन मूवमेंट करते हैं, ये पूरा ओवरऑल इस चीज को यहाँ पे एनिमेटेड किया गया है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, आप जैसे ही फोन के एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करोगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि कितना ज्यादा एनिमेटेड यहाँ पे जो है हमें जो है एप्लीकेशन पे देखने को मिल रहा है जो कि होम पेज पे है। ओके, एंड यहाँ पे आपको इसी जो है एनिमेशन पे देखने को मिलेगा। एंड दूसरा है विजुअल इफेक्ट में आपको जो है काफी कुछ यहाँ पे फंक्शंस देखने को मिलेगा एंड स्मूथनेस का फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कोई भी आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करोगे सो आप स्मूथनेस पे आप उसे एनिमेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप जो है कोई भी फोटोज को आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इफेक्ट लगाना चाहते हैं, सो वो आप काम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप जो है होम स्क्रीन में कोई भी एप्लीकेशन स्वाइप अप करते हैं, स्वाइप डाउन करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, नोटिफिकेशन स्लाइड बार इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन मूवमेंट करते हैं, ये पूरा ओवरऑल इस चीज को यहाँ पे एनिमेटेड किया गया है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, आप जैसे ही फोन के एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करोगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि कितना ज्यादा एनिमेटेड यहाँ पे जो है हमें जो है एप्लीकेशन पे देखने को मिल रहा है जो कि होम पेज पे है। ओके, एंड यहाँ पे आपको इसी जो है एनिमेशन पे देखने को मिलेगा। एंड दूसरा है विजुअल इफेक्ट में आपको जो है काफी कुछ यहाँ पे फंक्शंस देखने को मिलेगा एंड स्मूथनेस का फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कोई भी आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करोगे सो आप स्मूथनेस पे आप उसे एनिमेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप जो है कोई भी फोटोज को आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इफेक्ट लगाना चाहते हैं, सो वो आप काम कर सकते हैं। ओके, थर्ड चीज जो आपको देखने को मिलेगा वो थीम्स पे काम किया है। थीम्स पे यानी कि AOD का फीचर्स जो देखने को मिल रहा है, एलवेज ऑन डिस्प्ले का, एलवेज ऑन का फीचर्स आप जो है वन प्लस के किसी भी डिवाइस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है इस चैनल पे। अगर आपके जो है डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले नहीं है फिर भी आप एलवेज ऑन का फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, अगर आप देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। सो यहाँ पे थीम्स पे काम किया है, जैसे कि एलवेज ऑन का जो फीचर्स रहता है उसमें आपको न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, कॉन्वर्स करके जो फीचर्स देखने को मिल रहा है उसमें आपको यहाँ पे न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड आपके होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे न्यू वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा, न्यू थीम्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसे एडिट करके इस्तेमाल करोगे सो आपका डिवाइस जो है एक नेक्स्ट लेवल का लुक जो है देखने को मिलेगा।
एंड सेकेंड चीज का बात करें, फ्लूइड क्लाउड करके आपको फीचर देखने को मिलेगा, यानी जो जोमेटो का एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते करते हैं एंड स्पॉटिफाई का एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सब में आपको क्या होगा कि और भी यहाँ पे एक मिनी टाइप का आपको फ्लूइड टाइप का आपको फीचर्स जो देखने को मिलेगा, जिस तरह से मिनी विंडो इस्तेमाल करते हैं उसी टाइप। नेक्स्ट जो है वो फोटो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग यानी कोई भी फोटोज का अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, फ्लोटिंग विंडोज एंड स्प्लिट का व्यूज आपको देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन एंड जो है सिक्योरिटी सिस्टम जो रहता है उसी को यहाँ पे इम्प्रूव किया है, एंड बैटरी चार्जिंग को इम्प्रूवमेंट किया गया है, एंड साउंड एंड वाइब्रेट का ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है उस सब पे काम किया है। ओके यानी जो है अगर आप ये सब फीचर्स को इस्तेमाल करोगे, यानी स्वैप आप स्वैप डाउन करते हैं, नोटिफिकेशन बार हो गया, वो उस चीज को यहाँ पे आपको इनहेंस किया हुआ देखने को मिलेगा, एंड कोई भी फोटोज को अगर आपको एडिट करना हो, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो एआई के थ्रू के जरिए से, एआई के ऊपर ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट वीडियो मैं दे चुका हूँ, इस चैनल पे अपलोडेड है कि एआई के थ्रू भी आपको क्या क्या काम आप कर सकते हैं। सो कोई भी फोटो को अगर आपको एडिट करना हो, इरेज करना हो, बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, एड करना हो, कलर स्मूथ करना हो, ये पूरा इनहेंस आप कर सकते हैं इसके अपडेट के कारण। ओके अगर आप अपने फोन पे ये जो है अपडेट इस्तेमाल करते हैं तो, जैसे कि बीटा वर्जन पे आया था, मैंने आपको दिया था कि बीटा वर्जन पे आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, सो वहां पे तो चेंजेस मिला ही था, एंड उसके साथ साथ मेन जो चीज आपको देखने को मिलता है, मेन जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है वो स्टेबल अपडेट के लिए रखा हुआ रहता है। सो फाइनली यहाँ पे वन प्लस 12 में स्टेबल अपडेट ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन का रिलीज हो चुका है। सो इसमें ढेरों सारा आपको चेंजेस जो है देखने को मिलेगा, आपके फोन का कस्टमाइजेशन से रिलेटेड काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, एंड प्राइवेसी को लेके, वाईफाई को लेके, सेफ्टी को लेके काफी कुछ यहाँ पे काम किया गया है इस ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन पे। सो गाइस स्टेबल अपडेट अगर आप इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए आपको फोन का जो सेटिंग है वहां पे आना है, अवार्ड वाला सेक्शन पे आना है, वहां पे अगर आपको शो हो रहा है सो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन पे कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड दूसरा है स्टार है 800 है, इस नंबर पे आप जो है क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, डायल पे जाओगे, ये डायल करोगे वहां पे आपके सामने लिस्ट ओपन होके आ जाएगा कि आपके क्या शिकायत रहता है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वो चीज आप वहां पे फीडबैक दे सकते हैं कंपनी को। ओके एंड दूसरा चीज है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट कर लेना है आपको जो भी कुछ आपके प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो उसका अगर जैसे आप अपडेट कर लेते हैं इस अपडेट को, यहाँ पे स्टोर अपडेट को, उसके बाद आपका फोन का लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप जो है इस सेटिंग वाले यहाँ पे जो है ऑप्शन वाले जहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन पे फ्लोट वाला ऑप्शन जो देखने को मिला है वहां पे अगर जाओगे एक बेटर कलर कॉम्बिनेशन करके आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस आई होप की वीडियो काफी बोल रहा है आपके वन प्लस 12 में ये स्टोर अपडेट अभी आपको मिला है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ऑल चीज वहां पे हम जो है शेयर करते रहते हैं एंड काफी कुछ डिस्कस होते रहता है। सो वन प्लस लवर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप मैं तैयार कर चुका हूँ, आपको जाना है फॉलो जरूर कर लेना।